हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग मेरा आज रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड, जो पहाड़ों के बीच में ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर देखिए, इसी के जस्ट पीछे नदी है, नदी के पास में एक पुल कंस्ट्रक्शन बन रहा है पुल के लिए, और मैं अभी और आगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त सीन दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे ब्लॉग को प्रॉपर देखते रहिए और मज़े लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, धूप में मैं आज ब्लॉग बनाने के लिए आऊँगा। आज कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है यहाँ पे। अभी मैं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा घूमूँ के आपको एक अच्छी अच्छी चीज़ें सीन्स दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने में तो बहुत ही मज़ा है। आप लोगों को दिखाता रहूँगा एक एक चीज़। देख रहे हैं पीछे रोड बन से बन रही है यहाँ पे पार्क साइड में, और ये देखो कितना मस्त यार, जबरदस्त एरिया है यहाँ पे। ये हिली एरिया है, यहाँ से अभी थोड़ी दूर मैं जाऊँगा, अभी यहाँ से लगभग 100 या 200 मीटर जाऊँगा यहाँ से दूर, तो वहाँ पर एक नदी निकल रही है। नदी पर जाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तो वहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से नदी होगी, तो नदी के पास अभी जाऊँगा। काफ़ी जंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे जंगल में बहुत सारे पेड़ के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे, अभी ज़्यादा ज़्यादा पड़े नहीं हुए, पकने वाले नहीं हैं, कुछ दिन के बाद पक जाएंगे, तो पेड़ ज़्यादा अच्छे अभी नहीं लग रहे मुझे। देखो मैं, हम लोग जा रहे थे अंदर जंगल साइड में, तो यहाँ पे काफ़ी देखा मैंने, कुछ लड़के थे यहाँ पे जो लूडो खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं अच्छे कुछ सारे। और भाई साहब क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं क्या? लूडो में इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग, तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सा घना जंगल है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली पेड़ लगे हुए हैं, बेल के लगे हुए हैं, फल फूलों के लगे हुए हैं, और बहुत सारे जंगली कांटे वट्टे लगे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हो गाय भैंसे जो चरने आती है, यहाँ पर चराने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे देखो ये चर रही काफी दूर, ये यहाँ पे गाय चर रही हैं, भैंसे भी चर रही हैं साथ में, देख रहे हैं बहुत ही घना जंगल है यहाँ पर। ज्यादा अंदर तो जाने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर घना जंगल है, तो मैं वहाँ तो नहीं जा सकता, लेकिन देख रहे बहुत ही मस्त इंजॉयबल है। ये देखो जंगलों के बीच में ये भैंसें चर रही हैं यहाँ पे, और बहुत तो यहाँ पे जंगली जानवर भी रहता है, तो उनसे भी बच के रहना है आज मैं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर लोग पता नहीं कब कहाँ पे कैसे रहते हैं, तो वो भी नहीं रहते यहाँ पर। आगे तो नदी भी है काफ़ी ज़्यादा अंदर घनी, तो वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों काफ़ी देर इधर उधर से घूमते हुए जंगल में काफ़ी ज़्यादा थक गया था, मैं थोड़ा सोचा कि आराम कर ले रहा हूँ, और ये थोड़ी नमकीन लाया था दोस्तों। नमकीन जो लोग जिसको नमकीन पसंद है तो प्लीज़ इसको तो जिसको पसंद है आइए। दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नमकीन खाने जा रहा हूँ अभी। नमकीन खाने के बाद तो थोड़ा जाऊँगा बाहर घूमने के लिए, और भी ज़्यादा थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गया था यहाँ पे घूमते घूमते, क्योंकि जंगलों में जानते हो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है घूमते घूमते, पानी प्यास लग जाती है घूमते घूमते। खांसी भी आ रही है मुझे, जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी, तो मैं अभी ज़्यादा देर भी होगी क्योंकि सोना भी है, क्योंकि नाइट में मुझे जॉब भी करनी रहती है, जॉब के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए कि मैं प्रॉपर लगातार ब्लॉग बनाने के लिए,
तैयार हो जाऊं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, ज़्यादा प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि जॉब करना, मुझे एक जॉब तो करना ही पड़ता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है, बहुत ही मस्त यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। आसपास मेरे बहुत सारे जंगल हैं, बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे, काफ़ी सारे जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ पे। तो मैं जंगली जानवरों के पास तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई, वहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे पास में नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखो भाई बहुत सारी जानवर, गाय भैंसे और लोग भी घूमने टहलने आते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी सोचा कि आप लोगों को ये यहाँ का ब्लॉग बनाकर आप लोग को दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसा है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, यदि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। जब आप लोग सपोर्ट देंगे, अच्छा सपोर्ट देंगे, एंजॉय करेंगे मेरे ब्लॉग में, तो मैं भी, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं भी कुछ अच्छा करने को सोचूंगा, इससे अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए सोचूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो दोस्तों आज मुझे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मेरी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है, तो मैं ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा टाइम ब्लॉग नहीं बना सकता। देख रहे हैं यहाँ पीछे गाय भैंसे सर रही हैं पे, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर रहते हैं, हाथी जैसे, शेर, चीते बहुत सारे रहते हैं। ये थोड़ा यहाँ इस साइड, पीछे साइड में रहता है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे कोई जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो वहाँ हम नहीं जा सकते। मैं यहीं रहूँगा। क्या ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे यार, घूमने में मज़ा बहुत आता है। धूप लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठंडी भी बहुत हो रही है। क्योंकि मैं सुबह ब्लॉग बनाने के लिए निकला था, इसलिए ना ठंडी के कपड़े पहन रखा था, अब हल्की हल्की धूप ज़्यादा होने लगी है तो थोड़ा गर्मी लगने लगी है यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा अभी सीधे मार्केट की तरफ, मार्केट से जाऊँगा सीधे सिडकुल की तरफ, सिडकुल से जाऊँगा सीधे सीधे पैदल ही यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मुझे पैदल चलने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं पैदल ही यहाँ से जाऊँगा आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखाते संदेश करके। देख रहे हैं यहाँ पे ये एक क्वारमेंटेड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा विकसित बन रहा है, ये जो भी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। आस पास में रोड की साइड में कनेर के फूल लगे हुए हैं पीले पीले, देखें बहुत ज़बरदस्त मस्त व्यू है यहाँ पे। मॉर्निंग में घूमने में बहुत मज़ा आता है, मॉर्निंग इवनिंग टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो आसपास के लोग हैं, बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पे, लड़कियाँ भी सारे घूमने आते हैं। तो मैं सोचा कि घूम लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। एक कार्यालय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार उत्तराखंड का है, देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ पे, जिन लोगों के कार्यालय यहाँ पे हैं, आसपास में बहुत सारे गवर्नमेंटेड कार्यालय बने हुए हैं यहाँ पे, इधर इस साइड में सभी। तो यहाँ काफ़ी देर हो चुकी मुझे जाते जाते, देख रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल, जो कई सारी सेवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर। देखो कई सारे यहाँ पे लोग आते हैं प्रसव कराने के लिए, बेबीस दवाई करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों मैं चलते चलते अब आ चुका हूँ सिडकुल एरिया में, यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये सिडकुल एरिया जो है एक जंगल क्षेत्र एरिया नहीं है, जंगली क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, यहाँ से कंपनियों का विस्तार हो जाता है, यहाँ पे ऑल इंडिया की बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो कंपनियाँ यहाँ से, कंपनियों का क्षेत्र एरिया माना जाता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ जाती हैं, जो कंपनियों का एरिया है।
मिस्टर महिंद्रा हैवेल्स एंड अदर कंपनी आ जाते हैं। अब लगभग यहाँ से मुझे लगभग 1 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। वहाँ से मुझे सवारी से टैक्सी से मैं जाऊँगा होटल की तरफ। वहाँ पे कुछ चाय पानी नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा सीधे रूम पर। अब क्योंकि मुझे सोना पड़ेगा, थोड़ी नींद आ रही है, तो मैं सोने के लिए जाऊँगा। किस शाम को ड्यूटी भी जाना रहता है ना, तो ड्यूटी भी करनी रहती है, तो नाइट में इसमें ड्यूटी करना रहता है, नाइट में ड्यूटी करूँगा जाके। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और प्रॉपर प्यार करते रहिए। मैं इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, इंटरेस्टिंग ब्लॉग। देख रहे हैं बहुत ही इंजॉयलेबल ब्लॉग्स है, इतना अच्छा अच्छा टूर्स दिखाते हैं आपको। और लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, काफी देर हो चुकी है आते आते। अब मैं आप लोग प्लीज मेरे ब्लॉग को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।